हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। में मधुबाला स्वामी मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ क्योंकि मैं पियर आई हुई हूँ मम्मी और नाना जी के पास। बस मैं नहा ली, तैयार हो गई और मेरा मेकअप जैसा कि आप जानते हो, मांग भरती हूँ और बिंदी लगाती हूँ और खोपरे का तेल मुँह के लगाती हूँ और हाथ पैर के लगाती हूँ। तो बस मैंने खोपरे का तेल लगा लिया है, बिंदी और मांग भी जो है मैंने भर ली, बिंदी लगा ली। अब मैं लगा रही हूँ नेल पेंट। रख के लेके आई थी मैं, नेल पेंट मेरी उतर गई थी और मम्मी को बोल रही लाओ मम्मी जी आपके लगा दूँ, तो मम्मी मना कर रही। मम्मी अपना हाथ दिखा रही है कि मैं ऐसी वाली लगाती हूँ जो कि बिल्कुल नेल्स के कलर की होती है, और मम्मी कह रही है वो साल भर पहले मेरे पास थी लेकिन उसके बाद मुझे और नेल्स के कलर की नेल पेंट नहीं मिली तो मैं नहीं लगाती हूँ। तो बस वही बातें मैं कर रही हूँ। और नाश्ता वगैरह हो गया है और खाना बन चुका है और बस ये मम्मी जो है कुछ बता रही है, स्वेटर के बारे में कुछ कह रही है मम्मी। और मम्मी को नहीं पता कि यहाँ पे वीडियो चल रहा है, मम्मी देख रही है मोबाइल के अंदर कि वीडियो चला रखा है कि नहीं इसने। इधर नाना जी पेपर पढ़ रहे थे, पेपर पढ़ लिया उन्होंने, उसके बाद में मौसम बता रही हूँ, देखिए कैसा मौसम हो रहा है, जैसे कि बारिश आने वाली हो। और नाना जी बातें कर रहे हैं मेरे से, मैं नेल पेंट लगा रही हूँ, मम्मी जी भी बातें कर रही है, उधर बच्चे भी बातें कर रहे हैं। अब बच्चे प्लानिंग बनाएंगे ताश के पत्ते खेलने की। नाना जी जा रहे हैं बाथरूम करने के लिए, तो नाना जी से चला नहीं जाता, वो धीरे 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 चल के जा रहे हैं। देखिए वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए नाना जी धीरे धीरे जाएंगे वहाँ, मम्मी किसी से बात कर रही है कोने पर, और ये नाना जी आ गए वापस, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए कितने धीरे धीरे से आते हैं, और ये मेरे बच्चे फटाफट से आए और बिठाने के लिए, भाई नाना जी गिर ना जाए, कुर्सी लुढ़क ना जाए, पीछे ना हो जाए। तो कुर्सी पकड़ी बच्चों ने, नाना जी की, दोनों बच्चों ने। और बस अब वो यहाँ मम्मी उनको ताश के पत्ते के जो है लाके दी है निकाल के, और अच्छे अच्छे पत्ते छाट रहे हैं जिसमें 52 पत्ती हो, और बहुत सारे पत्ते हैं यहाँ पे पड़े हुए मम्मी के। मम्मी के पास पुराने बच्चे पहले खेलते थे वही, तो मम्मी उसमें से सही से छाट रही है। यहाँ एक पलंग पे मैं सो रही हूँ और मैंने गोली ली है जुकाम की और बुखार की, क्योंकि मुझे कल भी बुखार आया था और जुकाम मुझे हो ही रहा है बहुत तेज। और यहाँ पर बस अब ये ताश के पत्ते खेलेंगे नाना जी के साथ, दोनों बच्चे, इनको बहुत मजा आता है ताश के पत्ते खेलने में नाना जी के साथ, और नाना जी की हंसी के लिए हम लोग तरस जाते हैं। नाना जी जब हंसते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मेरी धूप के मारे आंखें नहीं खुल रही है। देखिए इस तरीके से मैं हाथ लगा रही हूँ बार बार, और ये देखिए ताश के पत्ते खेल रहे हैं, बहुत मजे आ रहे हैं। ये देखिए ये तीनों ताश के पत्ते खेल रहे हैं नाना जी और बच्चे। देखिए नाना जी की हंसी बताऊंगी, देखिए कितने कितनी हंसी आ रही है, नाना जी को बहुत हंसी आती है ताश के पत्ते खेलते तब। ये देखिए बहुत हंस रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है उनको ताश के पत्ते खेलते हुए, और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। वो बच्चे जयपुर में होते तब सोचते हैं कि कब नाना जी के चलेंगे, कब ताश के पत्ते खेलेंगे, कब नाना जी के चलेंगे। देखिए नाना जी भी बहुत हंसते हैं और बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, नाना जी को बहुत मज़ा आता है बच्चों के साथ। ये देखिए मेरे बच्चे भी बहुत हंस रहे हैं और बहुत मज़े कर रहे हैं नाना जी के साथ, और बच्चों की वजह से ही, जैसा कि मैंने बताया मैं बच्चों की वजह से आ पाई हूँ यहाँ नाना जी के पास, और स्वामी जी की वजह से। पहले मैं 6 साल में आई थी मेरे नाना जी के पास, और अभी नाना जी बुला बुला के थक रहे थे, जब भी बात करते थे तो बोल रहे थे बेटा आ जा बेटा, हिम्मत करके आ जा, मेरे से मिलके चली जा। 2 महीने से लगातार वो बोलते बोलते हो गया नाना जी को, जब भी बात करते थे तो नाना जी बुला ही रहते मुझे। और बस यहाँ पर ये देखिए बच्चे पत्ते खेल रहे हैं, और पत्ते खेलने के बाद बस अब पढ़ाई करेंगे बच्चे फिर थोड़ी बहुत देर, दोनों बच्चे, क्योंकि छोटे वाले बच्चे बेटे का मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, बड़े वाले बेटे के भी जो है 12th है, तो ये बुक्स वगैरह भी लेके आए हैं साथ में तो पढ़ेंगे। और बड़ा वाला बेटा ऑनलाइन पढ़ता है तो वो लैपटॉप से पढ़ाई करेगा, और छोटा वाला बुक्स वगैरह लेके आया है, बड़ा भी लेके आया है बुक्स वगैरह। तो और ये फिर पत्ते खेलने के बाद बच्चे पढ़ने चले गए थे अंदर, और यहाँ पर मम्मी ने कुरकुरे तले हैं, पापड़ पापड़ी कुरकुरे और टाइम पास वगैरह ये तले हैं। तो और यहाँ मैं लाइव चल रही हूँ संगीता दी की, और मैं चाय पीती जा रही हूँ और कुरकुरे खाती जा रही हूँ, चावल के होते हैं कुरकुरे। ये देखिए भेड़ जा रही है, तो वही मैंने आपके साथ शेयर करा है एक, ये देखिए भेड़ जा रही है, खूब सारी भेड़े गई, तो बहुत सारी तो निकल चुकी थी। तो गाँव में ये सब चीज़ें देखने को मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ शाम का टाइम है, ये देखिए कुरकुरे चिप्स पापड़ पापड़ी वगैरह आधे ही बचे, आधे बच्चे खा गए,
तो बच्चों के यहाँ मज़े हो रहे हैं, और यहाँ मम्मी ने चवले की दाल गला रखी है, इसमें आप उड़द की दाल भी साथ में ले सकते हो। मम्मी ने जो है उड़द की दाल का आटा पीस रखा है, तो वही मिला लेगी मम्मी, और चावल का आटा भी मिलाएगी, तो बस उसी का पेस्ट बनाया है मम्मी ने। सुबह ही गला दिए थे ये चावले जो दाल बनाई थी वो, तो ये पेस्ट बना लिया। पेस्ट ना तो ज़्यादा पतला होना चाहिए ना मोटा, एक कटोरे में निकाल लिया मम्मी ने, और इमली गलाएगी मम्मी, और इसमें थोड़ा सा मिलाया है चावल का आटा, और थोड़ा सा मिलाया है उड़द की दाल का आटा, और यहाँ मैं लाइव चल रही हूँ संगीता दी की, ये देखिए। बस वहाँ पर नाना जी के साथ कुरकुरे खा के मैं आ गई थी, तो ज़्यादा अभी टाइम नहीं हुआ है, संगीता दी की लाइव भी आ रही है, और ये देखिए यहाँ पर मम्मी ने आटा मिला दिया है दोनों, और बस अब मम्मी अच्छे से जो है इसको फेंट फेंट के अच्छे से पेस्ट बना लेगी, और इसमें डालेगी मीठा सोडा थोड़ा सा, और नमक, सादा नमक, और इसमें कुछ भी नहीं डालेगी मम्मी, और फिर बड़े बनाएंगे, और बड़े को गुनगुने बनाने के बाद, छोटे बड़े लंबे गोल कैसे भी साइज के आप बड़े बना सकते हो, और फिर उसको जो है तेल में फ्राई करके निकाल लीजिए अच्छे से मध्यम आंच पे, और उसके बाद में थोड़ा गुनगुना पानी लीजिए, और बड़ों को गुनगुने पानी में डाल लीजिए, और दही मम्मी ने रात को ही जमा दिया था, तो बहुत गाढ़ा गाढ़ा दही जो है जम गया है, उसी को फेंट लेगी मम्मी, और बस इमली इसको अभी रेस्ट करने के लिए रख देगी, और इधर मम्मी ने एक डेगची में पानी डाल के इमली डाल दी, और इधर कढ़ाई चढ़ा दी थी, तो मैं बना रही हूँ बड़े, तो मैं यहाँ पर बड़े तलती जा रही हूँ। देखिए एक बड़ा गिर गया नीचे, तो एक परात में डालती जा रही हूँ, और मम्मी इमली की चटनी बनाएगी, तो ये देखिए यहाँ पर मैं बड़े बनाती जा रही हूँ, वन बाय वन बाय वन, छोटे बड़े जैसे भी बनाना चाहो, मैं थोड़े गोल गोल बना रही हूँ, लंबे कैसे भी बना सकते हो, और गुनगुने पानी में जो है इमली जल्दी से गल जाती है। और आज का जो शाम का हमारा डिनर है वो यही है, दही बड़े, और मेरी मम्मी जी के हाथ के दही बड़े, और राजमा, और जो मसूर, मन का मसूर की दाल, चावल, और जो है मम्मी ने फिर से जो है आटा लगा रखा है मम्मी ने, तो वो भी उसका बथुए का, तो वही मम्मी बनाएगी पराठे। तो यहाँ फटाफट फटाफट स्पीड को मैंने तेज कर दिया है, और मैं बनाती जा रही हूँ, अगर स्पीड तेज नहीं करते तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, और वो फिर जो है बोरिंग लगने लगता है, इसलिए मैंने स्पीड को तेज करा है, और अभी मैं कुचील में हूँ, जब तक गाइस थोड़े लंबे लंबे ब्लॉग आएंगे तो आप जो है जरूर देखिएगा, और मम्मी जी के हाथ की रेसिपी मिलेगी आपको देखने को, तो बने रहिए लास्ट तक, और जितने दिन भी मैं यहाँ पर हूँ आपको यहाँ के ब्लॉग देखने को मिलेंगे, और मैं यहाँ कुचील बहुत कम आती हूँ गाइस, तो जरूर देखिएगा मेरे मम्मी जी के हाथ के ब्लॉग, और मेरे नाना जी, और देखिए, और बस यहाँ पर मैं तलती जा रही हूँ वन बाय वन बाय, जो लास्ट में वन बाय वन तलती जा रही हूँ, और बस एक घाट में कम से कम भी 15-20 बड़े हो जाते हैं, और बस अब ये पहुंच लिया। मम्मी कह रही थी कि और पापड़ पापड़ी वगैरह तल ले, मैंने बोला नहीं मम्मी अभी तो रखे हैं, खत्म हो जाएंगे जब तल लेंगे, और बस ये हो गया हमारा। कई महिलाएं जो है साल में 3-4 बार पीयर के चक्कर काटे आती है, हम तो यहाँ पर 6-6 साल में आते हैं, आना ही नहीं होता, घर की जिम्मेदारियां, ससुर जी साथ रहते हैं, और जब मेरा भतीजा मेरे पास था तब मैं 6 साल तक उसको टिफिन दिया था दोनों टाइम, तब मैं 6 साल तक नहीं आई थी यहाँ पर, जैसा कि आप सब जानते हो, और बस यहाँ चूल्हा जला रखा है मम्मी ने, और नाना जी के तप लगाएगी इसलिए, और पानी चढ़ा रखा है, उस पानी से वो जो है बर्तन मांज लेंगी, और जो चूल्हे में कोयले होंगे उससे नाना जी के तप रखेगी, ताकि नाना जी को ठंड ना लगे, वो नाना जी का बहुत ध्यान रखती है मेरी मम्मी जी, और यहाँ बड़े मेरे बन गए सारे, तो इस तरीके से झाड़ के निकाल लेंगे, ये देखिए अब बस गुनगुने पानी में डालेंगे, इमली की चटनी मम्मी तैयार कर रही है, और उसमें से सारे जो है बीज निकाल के मिक्सी में चला लेगी, और फिर छान लेगी, और उसके बाद में छानने के बाद उसमें काला नमक, सादा नमक, और जो है पुदीना पाउडर, जीरा पाउडर, ये मिला देगी, और गुड़ डाल ही दिया था मम्मी ने इमली के साथ ही, जब गर्म पानी में के डेगची में चलाया था, तो गुड़ भी हो ही गया उसके अंदर, गुड़ की है ये चटनी, तो ये देखिए यहाँ पर निकाल ली मम्मी ने ठंडा होने के लिए, इधर बड़े हो गए हमारे, और बस अब मम्मी जो है थोड़ा ठंडा होने पे बीज निकाल लेगी, तो आ जाइए आप भी इधर, मैंने जो है बर्तन एक बार मांज दिए,
हम आज के यहाँ मम्मी एक कपड़ा रखती है, उस पे बर्तन रखती है ताकि पानी इधर उधर ना हो, और इधर चूल्हा जला ही दिया। मम्मी चूल्हे पे रोटी नहीं बनाती है, बस पानी रख देती है, क्योंकि नाना जी के लिए जलाना पड़ता है ये चूल्हा, ताकि नाना जी के तप लगा सके। और इधर मम्मी जो है चटनी बना रही है, इधर मेरा वीडियो एडिटिंग हो रहा है। देखिए ये रसोई है, मेरे पहले वाले ब्लॉग जब मैं कुचील में आई थी तो पूरा घर मैंने आपके साथ पूरा विजिट करवाया था घर का, तो आप सर्च करके देखिएगा मेरे वीडियो में। यहाँ पर है नाना जी हैं, और बस अब नाना जी को थाली सर्व करेंगे और नाना जी दही बड़े खाएंगे, और बच्चे जो है फेवरेट, बच्चों ने बोल के बनवाए दही बड़े, बच्चों की फेवरेट जो है डिश है दही बड़े, और वो भी नानी जी के हाथ के, उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं, और इधर चटनी बन गई है, ये देखिए तो हमारी चटनी हो गई। इधर मैं जीरा सेक रही हूँ, जीरा खत्म, मम्मी का सिका हुआ खत्म हो गया था, तो मम्मी अभी बस मम्मी यहाँ पर तप करने वाला ले जाके नाना जी के कमरे में रख रही है, वो देखिए कोयले भर दिए उसके अंदर, तो बस ये रख के चली गई। अब नाना जी तपते रहेंगे और यहीं पे खाना खा लेंगे, और टीवी भी चल रही है तो टीवी भी देख लेंगे। और ये देखिए, तो इसी तरीके से आप भी बुजुर्गों का ध्यान रखिए, बस सिगड़ी को रात को कमरे में मत रखिएगा, सिगड़ी को तप करने के बाद कमरे से बाहर रखिएगा, कई दुर्घटनाएं हो चुकी है, कई लोग मर गए हैं दम घुटने से, सिगड़ी को कमरे में ही रख लेते हैं। यहाँ जीरा मेरा हो गया, और जीरा हो गया, और बस अब तो प्लेट जो है वही सर्व करनी है। ये आपको बता रही हूँ मैं कि पानी चल रहा है, इधर दही देखिए गाढ़ा गाढ़ा बन के तैयार हो गया, चटनी हो गई, बड़े मम्मी ने पानी चढ़ा दिया है, बस मैं पानी में गर्म पानी में बड़े डालूंगी, ये पानी चढ़ा रखा है भगोनी में, और आपके साथ जो है डिटेल में मैं शेयर कर रही हूँ। स्पीड मैंने तेज कर रखी है, यहाँ बड़े डाल दिए, थोड़े से फूल कर अभी बड़े हो जाएंगे, थोड़ा 5-7 मिनट लगेगा। यहाँ पर आ गई नानी जी के टाइम की प्लेटें, ये मेरे नानी जी जब जिंदा थे तो मेरे नानी जी के टाइम की प्लेटें हैं, तो बस मम्मी ये जो है दबा दबा के निकाल रही है, थोड़ा सा फोड़ भी रही है, ये देखिए अब ये प्लेट सर्व हो रही है नाना जी के लिए, देखिए। और नाना जी को भी दही बड़े बहुत पसंद है, नाना जी बहुत ध्यान रख रहे थे, ऐसे बोल रहे थे कि बच्चों को अच्छे लगे कि नहीं लगे, बच्चों को और दे दे बाई, और बच्चों को दिया, मेरी मम्मी को बाई बोलते हैं नाना जी, तो बाई उमा और दिया, मेरी मम्मी जी का नाम उमा है, जैसा कि आप सबको पता है मेरे पार्लर का नाम भी उमा ब्यूटी पार्लर है, वो मेरी मम्मी जी के नाम से है। यहाँ पर दही डाल दिया, अब काला नमक और सादा नमक, मिर्ची और पुदीना पाउडर, जीरा पाउडर और मीठी चटनी डाल देगी, तो ये दही बड़े हमारे हो गए, और ये मीठी चटनी डाल दी, तो दही बड़े बन के तैयार हैं। आ जाइए आप भी खा लीजिए जो है यम्मी यम्मी दही बड़े, ये वैसे तो सुबह बना के खाने चाहिए, ताकि जो है अभी ठंड का मौसम है दही सुबह खाना चाहिए, बट बच्चे ने बोला नहीं हम तो शाम को खाएंगे, तो फिर जो है बच्चों की डिमांड पे फिर शाम को बनाएं, तो सर्दी तो नहीं लगी थी क्योंकि हम दही बड़े बना जो खा चुके हैं, जैसा कि आप जानते हो कि वीडियो पहले ही हो जा बन जाता है, एडिटिंग बाद में होती है, और मुझे तो सर्दी पहले से ही लगी हुई है, तो ये आ जाइए आप भी जो है दही बड़े खा लीजिए। तो ये नाना जी की प्लेट है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, देखिए कितना अच्छा कलर आया है ना प्लेट का, आ गया ना मुंह में पानी, कि दही जो है दही बड़े यम्मी यम्मी दही पड़े जो है खाने में बहुत ही मजा आता है। और यहाँ पर मैं सर्व करती जा रही हूँ अब बच्चों के लिए, बच्चे आएंगे, ये बेटा चार्ज में फोन लगा रहा है, नानी आई है, नानी नाना जी को देख के आई है, मतलब मेरे नाना जी को, और यहाँ बेटा पानी पी रहा है, और अब मैं दही बड़े लगाऊंगी, यहाँ देखिएगा बड़ा बेटा अभी मजाक करेगा नानी से, और उनके मुंह में खिलाने के लिए बोलेगा, बोले नानी जी आप भी खा लीजिए, होता है ना नानी नानी का प्यार, अपने जो है बोलते हैं ना मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, तो मैं तो प्यारी हुई हूँ, मेरे बच्चे भी बहुत ज्यादा प्यार जो है प्यार करते हैं अपनी नानी से, और नानी भी करती है बच्चों से, और बच्चे जो है नानी जी के हाथ के खाने को बहुत मिस करते हैं पूरे साल। और 6 साल में मैं आई थी, पहले पिछली बार में जब आई थी मैं 6 साल में आई थी, मैं रो रो के रह जाती हूँ, लेकिन मैं आ नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरे ससुर जी मेरे साथ रहते हैं, तो उनके खाने की फिर दिक्कत हो जाती है, और इस वजह से। और ये देखिए यहाँ पर, हालांकि स्वामी जी बोलते हैं तू चली जा, मैं मैनेज कर लूंगा, बट मेरा मन नहीं करता उनको अकेला छोड़ के आने का ससुर जी को,
मैं सोचती हूँ कि वो क्या सोचेंगे कि बहू मुझे छोड़ के चली गई, बट उनको ये भी सोचना चाहिए कि अपनी बेटी भी तो आती है। मेरी एक ननद है, एक खत्म हो गई, तो मेरी ननद साल में कम से कम भी 4-5 चक्कर काट जाती है वो, क्योंकि हम 3 भाई हैं और तीनों अलग अलग जगह रहते हैं, और जो बड़ी ननद है वो